चीजें होती हैं या एंशियंट चीजें होती हैं वो आज यूज में होती नहीं है, नहीं होती। और इसका कॉमन चीज क्या है, एंटीक चीज या एंशियंट चीज का जो आज कॉमन, जो आज काम पे नहीं है। इसी तरीके से इंट्रॉन्स क्या आज काम के हैं हमारे डीएनए में? नहीं, इंट्रॉन्स आर नॉट यूजफुल, दैट इज व्हाई प्रोकैरियोट्स इवन डू नॉट हैव दीज इंट्रॉन्स। और हमारे अंदर होता भी है तो हमें उसको निकाल के अलग करना पड़ता है वाया प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो दैट मींस कि कुछ ना कुछ तो कॉमन सिमिलैरिटी आ रही है बिटवीन एंशियंट चीज एंड द इंट्रॉन्स। व्हाट इज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स एंड इन एक्सॉन्स। तो अब तुम कुछ आंसर खुद फ्रेम कर सकते हो, 2 मिनट लो। अब तुम्हें आधी चीज तो समझ आ गई कि क्या लिखना है, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। तो ये कह रहा है ये जो इंट्रॉन्स एक्सॉन्स का अरेंजमेंट है वो एक पुरानी चीज है, या फिर जो इंट्रॉन्स है वो एक पुरानी चीज है हमारी। तो अब इसको एक्सप्लेन करना है। चलो इसका आंसर ये लिख सकते हैं, देखो इंट्रॉन्स ओनली कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। They need to be removed, by the process of splicing. ठीक है, अब अगर ये इनको रिमूव करना पड़ता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, सो ये है क्यों हमारे डीएनए में? अगर इनका कोई काम नहीं है और ये हमारी डीएनए में है तो ये है क्यों? क्योंकि ये शायद पहले काम के होंगे और आज काम के नहीं है। दैट मीन्स वो एंशियंट टाइम या फिर एंटीक जमाने की चीजें हैं जो पहले यूज होती होंगी, बट आज हमारे एवोल्यूशन के साथ उन चीजों को ऑफ कर दिया गया है, उस पार्ट को। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट हैव टेल नाउ, तो हो सकता है हमारे डीएनए में टेल हो और वो टेल अब एग्जॉन की जगह कहां पे हो? इंट्रॉन में हो। ठीक है, तो दैट इज वाई वो इंट्रॉन से हट जाता है और हमारे पास टेल नहीं आती। तो वी कैन से कि ये जो इंट्रॉन्स हैं, दीज आर रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट मतलब बचे कुचे पार्ट्स, रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। दैट मींस हम लिख सकते हैं इसके आगे कि दे नीड टू बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। सो अच्छा, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स suggests that they may be functional, they may have been functional in our ancestors at some point. But now have been rendered non-functional by evolution, so they are a feature of the ancient genome, या फिर हम बोल दें They are reminiscent of antiquity. ठीक है, is this question answer clear?